हेलो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड 102 को एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचेन और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है जो सभी हाईयू के पास खड़े थे। तभी अचानक से वहां पर एक पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और तभी वहां पर तीन सबसे पावरफुल डीमन किंग्स आ जाते हैं। हाउचेन ये देखकर कहता है ये तीनों वही डीमन किंग्स है जिन्होंने पहले भी हाईयू को परेशान करने की कोशिश की थी और डीमन लेडी हाईयू की इवोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो कहती है इसके इवोल्यूशन की वजह से हाईयू का फोर्थ हेड भी बाहर आ गया और हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जिसके बाद डीमन ड्रैगन हाईयू पर अटैक कर देता है और फिर हाईयू भी उस पर काउंटर अटैक करता है। ये देखकर लेडी डीमन कहती है इससे पहले हाईयू कोई अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करे हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। इतना कहकर वो उनके ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर देती है और वो फिर उन सभी पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है जिस पर लिंशन कहता है ये ग्रेविटी प्रेशर तो 9th लेवल का लग रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी मारे जाएंगे। जिसके बाद एक डीमन किंग वहां पर बहुत सारे क्रिएचर को समन कर लेता है। ये देखकर हाउचेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हाईयू अपनी एनर्जी बॉल से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी हीलर हाउचेन से कहता है कैप्टन इन सभी क्रिएचर की पावर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो लोग उन क्रिएचर से फाइट करने लगते हैं और तभी हाईयू बैरियर को तोड़ देता है। ये देखकर लेडी डीमन कहती है हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और तभी हाउचेन टेलीपोर्टेशन की हेल्प से सभी को टावर ऑफ एटर्निटी में टेलीपोर्ट करने को बोलता है जिसके बाद सभी लोग वहां से तुरंत निकल जाते हैं और उन सबको जाता देखकर लेडी किंग गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है। उधर सभी लोग हाईयू की इवोल्यूशन से काफी ज्यादा खुश थे और टावर के पास पहुंचने के बाद हाउचेन सभी से कहता है तुम सभी सिटी वापस लौट जाओ और मुझे हाईयू के साथ थोड़ी देर अकेले में समय बिताना है इसलिए तुम सभी सिटी जाकर रेस्ट करो। जिस पर सभी लोग हाउचेन की बातों को मानकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाईयू और हाउचेन एक जगह पर बैठे थे जहाँ वो हाईयू के फोर्थ हेड को लिटिल ब्लू नाम देता है और बोलता है मुझे पता है पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है और मेरी टीम तुम्हारा पूरा साथ देगी, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाउचेन मास्टर हैंड से बोल रहा था उसे श्याओली से पता चला है कि कायन की डिवाइन फायर अवेक होने वाली है इसलिए हमें हार्ड लेवल के बैटल की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं अपनी डीमन हंटिंग टीम को अपग्रेड करना चाहता हूँ जिसके बाद हम सभी हाई लेवल के डीमन हंटिंग मिशन पर जा पाएंगे। जिसके बाद मास्टर हैन हाउचेन से बोलते हैं अगर तुम्हारी डीमन हंटिंग टीम को प्रमोट कर दिया जाएगा तो उनको काफी ज्यादा खतरनाक मिशन दिए जाएंगे जो तुम्हारी टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं मानता हूँ कि तुम सभी बहुत ही यंग डीमन हंटिंग टीम हो इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए इसलिए तुम सब खुद प्रैक्टिस करने के बाद असेसमेंट से वापस लौट कर मुझसे मिलना। इतना कहकर मास्टर हैन वहां से जाने लगते हैं। तभी हाउचेन उन्हें रोककर कहता है मास्टर हम सभी ने पहले भी कई सारे खतरनाक मिशन पर जा चुके हैं और मैं इस टीम का लीडर हूँ इसलिए मुझे अपनी टीम के सभी मेंबर के स्ट्रेंथ के बारे में पता है, प्लीज आप हम पर एक बार भरोसा कीजिए। जिस पर मास्टर हैन कहते हैं थोड़ी देर में तुम सभी असेसमेंट में मिलना क्योंकि आज तक इतिहास में किसी ने कोई भी डीमन हंटिंग टीम को प्रमोट होता हुआ नहीं देखा। जिस पर हाउचेन कहता है तो फिर मास्टर हम क्यों नहीं हो सकते हैं? आप अपने असेसमेंट ग्रुप में हमारी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं अपने डीमन हंटिंग टीम को प्रमोट जरूर करवाऊंगा। ये देखकर मास्टर हैन हंसने लगते हैं तुम अपने डीमन हंटिंग टीम के अच्छे लीडर हो, मुझे तुम पर भरोसा है तुम बिना किसी एफर्ट के असेसमेंट को पास कर लोगे, लेकिन क्या तुम्हारी टीम की स्ट्रेंथ इतनी भी है जितनी मैं उनके लिए डिफिकल्ट्स बढ़ा सकता हूँ? मैंने तुम सभी की वीकनेस को टारगेट करते हुए 7 एग्जामिनर्स को यहाँ बुलाया है, क्या तुम सभी रेडी हो? जिस पर लॉन्ग हाउचेन हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें वेंग वांग को दिखाया जाता है जो एक एग्जामिनर से फाइट कर रही थी। वो एग्जामिनर वेंग वांग को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। वो एग्जामिनर कहता है अगर तुम पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर अटैक करोगे तब भी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तभी वेंग वांग अपनी गिटलेट शील्ड से उन पर अटैक कर देती है लेकिन वो एग्जामिनर उसके उस अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। उधर हम सीमा सियान को देखते हैं जो अपनी सुपर माइटी मेटी और हैमर से एग्जामिनर पर अटैक करता है लेकिन वो एग्जामिनर भी उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। सीमा सियान दोबारा से उन पर अटैक करता है लेकिन यहाँ उन एग्जामिनर्स ने होली लाइट ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन का यूज कर रखा था जिससे सीमा सियान का अटैक उन्हें छू तक नहीं पाता। अब हम चेरी चैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी।
क्योंकि उसने फिर से एक छोटे से शिप को समन कर लिया था। चेरी चैन के सामने वाले एग्जामिनर कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम इस टेस्ट को कैसे पास कर पाओगी। तभी वो एग्जामिनर एक बड़े से वल्व को समन कर लेता है और वो वल्व चेरी चैन की तरह बढ़ने लगता है और फिर ये सीन यहाँ कट हो जाता है और अगले सीन में हमें लिनसेन को दिखाया जाता है जो अटैक करते करते हार मान गया था क्योंकि उसके अटैक का कोई भी असर उस पर नहीं हो रहा था, बल्कि वो मैजिशियन एग्जामिनर आराम से शील्ड फॉर्मेशन में बैठा था और लिनसेन से कहता है, तुम्हारे सारे अटैक यूजलेस हैं, इसलिए बिना वजह मेरे पर अटैक करना बंद करो क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है मैं इस अलायंस का सबसे बड़ा मैजिशियन हूँ, इसलिए अपने बेकार अटैक्स करना बंद करो। अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है, क्योंकि उसके बाद मैं पैलेस लौटकर अपनी वाइफ का बनाया हुआ खाना खाऊंगा और चलो मुझे जल्दी से एक मिनट में हराओ। एग्जामिनर की ऐसी बातों को सुनकर लिनसेन का खून खोल गया था और वो कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली पावर, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अब हम अगले सीन में हैन्यू को देखते हैं जो अपना टेस्ट देने के लिए रेडी था और उसके सामने एग्जामिनर कमांडर हैन खड़े थे, जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। मास्टर हैन उसके हाथों को पकड़ लेते हैं जिससे वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी हैन्यू ग्रेविटी ऑफ लाइफ टेक्निक का यूज करता है जिससे मास्टर हैन पर लाइट फॉर्मेशन का प्रेशर पड़ने लगता है, जो देखकर मास्टर हैन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मगर तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं और अब हमें वहाँ पर मास्टर हैन की फैमिली का सीक्रेट स्किल को देखते हैं। मास्टर हैन बताते हैं, हमारे फैमिली में ऐसे कई सारे सीक्रेट स्किल्स हैं जिस पर मुझे काफी ज्यादा प्राउड है। हम हैन क्यान फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट के खत्म होने से पहले तुम एक और न्यू स्किल सीखो जिसका नाम ओरा बाइडिंग है। ये स्किल तुम्हारी ग्रेविटी ऑफ लाइफ और ब्लैक डेजर्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। अब ये सुन हैन्यू काफी शौक था, लेकिन फिर वो उसके लिए रेडी हो जाता है और वो टेस्ट देने के लिए एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहां उस पर कई सारे डीमंस अटैक करने वाले थे। और तभी सीन चेंज होकर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा होकर उन सभी का वेट कर रहा था। हाउचन को पूरा भरोसा था अपनी टीम पर कि वो सभी इस टेस्ट को जरूर पार कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें सायर को दिखाया जाता है जो एशियन एग्जामिनर से फाइट कर रही थी और तभी कायर शेडो टेक्निक का यूज करते हुए अपनी मल्टीपल क्लोन को बना लेती है ताकि वो एग्जामिनर्स के अटैक को आसानी से डोच कर पाए, लेकिन वो एग्जामिनर उसके सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके बाद वो कायर पर अटैक करने वाला था। मगर कायर टेलीपोर्ट होकर उनके पीछे पहुंच जाती है और उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देती है जिससे एग्जामिनर हार जाता है और कायर इस टेस्ट को पार कर लेती है। उधर वेंगवांग पर एक एग्जामिनर अपनी शॉर्ट से स्लैश अटैक करने वाला था, तभी वेंगवांग वहां से गायब होकर उनके पीछे आ जाती है जिसके बाद वो उस पर स्पिरिचुअल पंच से अटैक करना शुरू कर देती है जिससे वो एग्जामिनर पीछे हो गया था। वेंगवांग का स्पिरिचुअल पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, एग्जामिनर उसे डोच नहीं कर पा रहा था। तभी वेंगवांग अपनी शील्ड से उस पर अटैक करती है जिससे वो पीछे दीवार में जाकर टकराती है। अब वेंगवांग एग्जामिनर को अपना स्पेस गेट सोल ऑफ फर्नेस दिखाते हुए कहती है, मैं इस फर्नेस की हेल्प से कहीं भी गायब हो सकती हूँ जिससे मैं आपके अटैक से बच पाई। और उस फर्नेस को देखकर एग्जामिनर काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर फर्नेस है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। जो सुनकर वेंगवांग मुस्कुराने लगती है और उसी के साथ उसने भी इस टेस्ट को पास कर लिया था। वहीं हमें सीमा शियान को दिखाया जाता है जो अपने पर्पल गोड थंडर फर्नेस का इस्तेमाल करके अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो एग्जामिनर सीमा शियान अटैक को नहीं रोक पा रहा था। तभी सीमा सियान उन पर एक जोरदार अटैक करके उन्हें पीछे फेंक देता है जिससे सीमा सियान ने भी इस टेस्ट को पास कर लिया था। उधर हमें चेरी चैन को दिखाया जाता है। चेरी चैन ने भी अपनी सोल स्केटिंग फर्नेस ऑफ टाइम का यूज कर लिया था जिससे उसके पीछे तीन क्रिएचर डोर ओपन हो गए थे जिसमें से तीन क्रिएचर बाहर आते हैं और वो एग्जामिनर के वॉल पर अटैक कर देते हैं और उसे हरा देते हैं। वो एग्जामिनर चेरी चैन का अटैक देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो कहते हैं, लड़की आखिर ये तूने कैसे किया। जिस पर चेरी चैन उसे अपने फर्नेस के बारे में बताने लगती है कि वो इसकी हेल्प से एक टाइम पर तीन क्रिएचर को समन कर सकती है और इस तरह उसने भी इस टेस्ट को पास कर लिया था। अब आगे हमें लिनसेन को दिखाया जाता है जो अपने ब्लू फ्लेम फिनिक्स का इस्तेमाल करता है और उस एग्जामिनर को हरा देता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। ब्लू फिनिक्स को देखकर एग्जामिनर के होश उड़ गए थे। तभी लिनसेन उसे बताता है, उसने ये अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस ऑफ हार्ट फ्लेम फिनिक्स की हेल्प से किया है, इसलिए तुम मुझे अब से टैलेंटेड मैजिशियन कहना। और इधर हैन्यू ने भी अपनी न्यू स्किल और बाइडिंग टेक्निक का यूज करके सारे डेमन को कैद कर लिया था, जिसके साथ उन सभी लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अहबाओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और अपनी आर्मी को ऑर्डर दे रहा था कि अगर कोई भी डीमन हंटिंग स्क्विड तुम्हारे हाथ लगती है तो उन सभी को मार दो, पर हाउचेन को छोड़ देना क्योंकि उसे सिर्फ वही मारेगा। और उधर हाउचेन की टीम को कमांडर ग्रेड पर प्रमोट कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें न्यू मिशन मिला था। लेकिन मास्टर हैन क्यान को उनकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि
क्योंकि फैंटेसी पैराडाइस में जो हुआ उससे डीमन शांत नहीं बैठेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। और भाई लोग अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।